सो गाइस सौरभ जोशी का यूट्यूब से करियर खत्म। बंदा है इसीलिए। सो गाइस सौरभ जोशी के चैनल का जो रिकॉर्ड है डेली वीडियो डेली ट्रेंडिंग वो तो चल ही रहा था, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ है, जैसे आज कुछ ऐसा हुआ है कि गाइस कि सौरभ जोशी का जो रिकॉर्ड था ना वो आज टूट चुका है। सौरभ जोशी का जो मेहनत थी वो बेकार हो चुकी है, पूरे साल की पूरे 2 ईयर्स की मेहनत बेकार हो चुकी है। लेकिन कैसे हुई है आपको ये वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, और मेरे को मोर अपडेट्स न्यू अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टा में फॉलो कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि सौरभ जोशी का करियर कैसे खत्म हुआ, सौरभ जोशी का रिकॉर्ड मेहनत कैसे बेकार हुई। तो आपको अब मैं बताता हूँ कैसे बेकार हुई। तो गाइस सौरभ जोशी का जो रिकॉर्ड था डेली वीडियो डेली ट्रेंडिंग वो तो चल ही रहा है, लेकिन सौरभ जोशी का जो डेली वीडियो था वो टूट चुका है। गाइस डेली वीडियो सौरभ जोशी डेली ब्लॉगिंग करेंगे लेकिन नहीं हो पाया। सौरभ जोशी कल अपना ब्लॉग ना डाल के सौरभ जोशी अपना सॉन्ग डाले भाई मेरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन सौरभ जोशी एक दिन में 2 ब्लॉग डाल सकते हैं, और सौरभ जोशी डाले भी हैं बहुत, लेकिन कल ऐसा सौरभ जोशी नहीं किए। सौरभ जोशी ब्लॉग छोड़ के अपना न्यू गाना रिलीज़ किया अपने चैनल पर, तो ऐसा सौरभ जोशी का तो मेरे हिसाब से कि वीडियो तो टूट चुका है, मतलब डेली ब्लॉगिंग तो नहीं हो पाई है। एक बार और छोड़े थे जब उनको COVID-19 हुआ था, लेकिन इस बार तो कोई रीज़न नहीं था, तब भी सौरभ जोशी कल ब्लॉग नहीं डाले। मतलब आप ब्लॉग डाल सकते थे, थोड़ी 1-2 घंटे बाद डाल सकते थे, लेकिन डाल सकते थे, लेकिन सौरभ जोशी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सो अपना सॉन्ग डाला और वो सॉन्ग पे भी अच्छा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन मेरा यही मोटिव है कि सौरभ जोशी का जो डेली वीडियो था ना, मतलब डेली ब्लॉगिंग करते थे सौरभ जोशी, वही आज कल नहीं डाल के अपना सॉन्ग रिलीज़ किया। तो मेरा तो यही कहना है कि सौरभ जोशी का डेली ब्लॉगिंग टूट चुका है। आपका क्या कहना है आप कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई ये हेट वीडियो नहीं है तो जाके हेट मत फैलाना। तो ये वीडियो में बस इतना ही आपको बताना था कि सौरभ जोशी का करियर ख़त्म हो सकता है, अगर सौरभ जोशी फिर से ऐसा करेंगे लोग तो मायूस हो ही जाएंगे, क्योंकि सौरभ जोशी का ब्लॉग इतना ही ओपी रहता है कि 7:30 बजे से सौरभ जोशी की ब्लॉग देखने के लिए बहुत लोग एक्साइटेड रहते हैं, मैं खुद रहता हूँ। तो ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।